इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि बहुपद 2x² + x + k का एक शून्यक 3 है तो k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो इसका आंसर करते हैं। बहुपद क्या है अपना 2x² + x + k। अब देखो बहुपद की घात कितनी है, अधिकतम घात है 2, इसकी अधिकतम घात 2 है, मतलब इसके शून्य क्या आएंगे 2 आएंगे, इसके अधिकतम शून्य क्या आएंगे 2। तो ध्यान रखना शून्य का मतलब होता है कि उसका मान रखने पर वो पूरी समीकरण की वैल्यू क्या आती है, 0 हो जाती है। तो देखो पूरी समीकरण की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। तो देखो मैं इसमें x का मान 3 रखूँगा, तो x का मान 3 रखने पर इस पूरे समीकरण, ये जो बहुपद है ना अपना, इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो मैं रख रहा हूँ, तो देखो 2x² + x + k = 0। अब मान रख रहा हूँ 2x की जगह रखा मैंने 3, तो 3 का स्क्वायर + x की जगह क्या रखा, 3 + k = 0। 2 × 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 + 3 + k = 0। अब देखो 9 को 2 से गुणा किया तो 18 + 3 + k = 0। ठीक है, अब देखो आगे 18 में 3 जोड़े तो कितने हो गए, 21 + k = 0। अभी के ये 21 इधर आऊँगा बराबर के, इस साइड 21 आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो k का मान कितना है अपना, माइनस 21। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, k का मान -21। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना कोई, यदि कोई बहुपद दिया हो तुम्हें और उसका एक शून्यक दे रखा हो और किसी का मान ज्ञात करना हो, तो कुछ नहीं करना, उस बहुपद को 0 के बराबर कर देना है और उसमें x का मान रख देना है, क्योंकि शून्य के तो उस पूरे बहुपद को क्या करेगा, वो 0 करेगा, ऐसे k का मान निकल जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। थैंक यू।